नमस्कार भाई भैरव, आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और बड़े ही कम शब्दों में हम आपको कहना चाहूँगा कि हम निकल पड़े हैं खेतों की तरफ होने, और हमारे खेत में घास है उसी को निकालने जा रहे हैं। तो आए थे गाँव, तो उनका मम्मी पापा गए हैं, तो हम सोचे कि हम भी चले कुछ टाइम साथ दे दे मम्मी पापा का, उसके बाद फिर आएंगे घर पे। तो ऐसे ही कुछ हाल है मेरा, आइए सब कुछ आपको डिटेल से दिखाते हैं, बने रहे हमारे वीडियो के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी आप सब देख रहे हैं सब धान की चीज़ धान की रोपाई हो चुकी है, और धान निकलने ही वाले हैं, कुछ ही दिनों में धान निकलने शुरू होंगे। टैंक बना हुआ है, ऐसे रहेगा तो बहुत ही बढ़िया खाद बनेगा, और खेत में भी डाला जाएगा। इधर सब बाजरे की खेती हुई है, सब बांस है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, और उधर पापा हैं और मम्मी हैं। उड़द की और बाजरे की खेती हो रही है, अभी पापा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, ऊपर क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। कितना रहा? है बढ़ रही किचन? नहीं। हाँ। हाँ। तो गाइस, अभी पापा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं खेत में, और ये आप सबकी खेती दिख रही होगी, ये बाजरे की खेती है और ये उगद है, ये बाजरे की खेती है, अच्छा लग रहा है। और मौसम भी बहुत बढ़िया है, मम्मी है, मम्मी अब घास उपार के जा रही है घर पे, और पापा जल्दी दवाई का छिड़काव करके घर चलेंगे। तो घास तो वैसे भी ऑलरेडी निकल चुका है, क्योंकि घास कमी थे खेत में, और ये छोटे मोटे घास तो यही है, हमें ना ये घास निकालने थे, ये घास निकालने थे, जो कि ये निकल चुका है, और कुछ खास थे नहीं।
ये बांस की कोठी है जो कि हमारे दादा ने इसको मतलब लगाया था, ये भी है और कुछ भी बांस का काम लगता है तो यहीं से कट के जाता है घर पे। और इसमें छोटी सी खेती हो रही है हमारे इस खेत में। और ये आम का पेड़ है, पता है ये बहुत ही बड़ा है। अगर इसके बारे में पता है तो अगर आप इस आम के पेड़ की जब ये आम इसमें लगते हैं आप आएंगे तोड़ेंगे तो आपसे एक आम भी नहीं फटेगा, क्योंकि ये ना आम बहुत ही लंबा है। अगर आप इसको हम ढेला बोलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं इतने बड़े बड़े, अगर वो मारेंगे तो वो जाते जाते आपका वो जो कंकड़ होता है ढेला होता है वो जाते जाते कमज़ोर पड़ जाता है, वहीं से वापस आने लगता है, तो आपका ढेला वहाँ तक पहुँचेगा नहीं जिसकी वजह से आपका आम टूटेगा नहीं। तो बहुत ही मेहनत करना पड़ता है इस आम को तोड़ने के लिए, और खाने में तो बहुत अच्छा आता है। हम लोग सिंचाई उस मशीन से होती है, वो जो घर आपको दिख रहा है उस मशीन से होती है। तो गाइस घास तो निकल गई थी ऑलरेडी मेरे आने से पहले ही, तो हम जा रहे हैं घर पे और मम्मी पापा के नहाने के लिए हम पानी नल से भरेंगे, डिब्बे में पानी भरेंगे। आप सब जो देख रहे हैं ना ये उधर से उधर तक सब अपने घर का ही खेत है, अपने आसपास पड़ोस के ही खेत हैं सब। उधर के भी जो बाजरे दिख रहे हैं उधर के भी हैं, वो सब ये सब अपने आसपास के हैं। तो गाइस चल रहे अपने घर। देख सकते हैं ये धान की रुपाई जो हुई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से निकले गए, हरे भरे हो गए हैं। तो इस साल का धान तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि मौसम भी अच्छा है, समय समय पर बारिश भी हो जा रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कहूँ तो सबसे अच्छा है इस साल के धान होंगे। तो गाइस ये रहा कुछ खेती का हाल, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।